राजू श्रीवास्तव के पोस्टमार्टम पर क्या बोले डॉक्टर। राजू श्रीवास्तव के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। हालांकि ये एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन तकनीकी तौर पर पोस्टमार्टम जरूरी है ताकि उनकी मौत पर कोई सवाल न उठ सके। आपको बता दें कि कॉमेडी की दुनिया के बादशाह माने जाने वाले राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं है। उनके निधन से आज पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मातम छा गया है। सोशल मीडिया पर भी लोग दुख मना रहे हैं। उनके जाने की खबर के बाद हर कोई शांत हो गया है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी बीच ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। हाल ही में उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें डॉक्टर की ओर से खुलासा किया गया है कि उनके शरीर पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं थे। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम हो गया है, जिसमें बताया गया है कि उनके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। 42 दिनों तक इलाज चलने की वजह से बॉडी पर केवल इंजेक्शन के निशान पाए गए हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद उनकी बॉडी अब परिवार को दी जा रही है। बता दें ये पोस्टमार्टम इसलिए भी किया गया है ताकि कल की तारीख में कोई इस बात का जिक्र कहकर उनके निधन को मुद्दा न बना सके, साथ ही किसी को ये कहने का मौका भी न मिले कि उनकी मौत कोई मिस्ट्री थी। बता दें कि पोस्टमार्टम में उन हर सवालों पर से पर्दा उठाया गया है जिस पर आगे चलकर कोई मुद्दा बन सकता है। वहीं राजू श्रीवास्तव के पोस्टमार्टम के दौरान उनके शरीर पर बने निशानों की भी जांच की गई, जिस पर बताया गया कि ये निशान केवल इंजेक्शन के हैं। हालांकि ये सब केवल फॉर्मेलिटी के लिए किया गया है, लेकिन तकनीकी तौर पर पोस्टमार्टम करना बेहद जरूरी है। इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले 42 दिनों से कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके बाद आज वो जंग हार गए और दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि राजू श्रीवास्तव को कार्डियक अरेस्ट आने के बाद से ही उनकी हालत गंभीर हो गई थी। हालांकि बीच में उनकी सेहत में कुछ सुधार आया था, लेकिन उनकी हालत इतनी सही कभी नहीं हुई कि डॉक्टर उन्हें वेंटिलेटर से हटा सके। इसके अलावा डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की हर कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाए, क्योंकि आखिरकार भगवान को कुछ और ही मंजूर था और उन्होंने हमसे राजू जैसे सितारे को छीन लिया। राजू श्रीवास्तव की मौत के बाद से उनके परिवार का बहुत बुरा हाल है। वहीं उनकी बीवी शिखा ने राजू को लेकर कहा है कि वो एक बहुत अच्छे योद्धा थे और आखिरी सांस तक लड़ते रहे, लेकिन वो अपनी जंग हार गए। कल आपको राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी कैसी लगती थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से लाइक कर दें।